ज्योत्सना अधिकारी, आप देख रहे हैं NPU न्यूज। चले चलते हैं दिन भर की फटाफट। पेट्रोल एसोसिएशन ने उठाई कमीशन बढ़ाने की मांग, ऑयल कंपनी से नहीं खरीदेंगे पेट्रोल। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या पर बीजेपी सांसद हंसराज ने जताया। नेपाल में खराब मौसम के कारण रुका तारा एयर के लापता विमान को खोजने का अभियान। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने जारी की 10 उम्मीदवारों की लिस्ट, इमरान प्रतापगढ़ी का। नेपाल प्लेन क्रैश में अब तक बचाव दल को क्रैश साइट से 14 शव। महाराष्ट्र में कुत्ते को पीट पीट कर हत्या करने के आरोप में पिता पुत्र के खिलाफ हुई FIR। गुजरात की करजन नदी में एक ही परिवार के 5 लोग डूबे। वाला पर एक K-94 से हुआ था हमला। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में एनकाउंटर जारी, 2 आतंकी। कोरोना के आज 2706 नए मामले आए, 25 की। NDA की 142वीं पार्सिंग आउट परेड होगी पुणे। IPL 2022 में डेब्यू सीजन में गुजरात टाइटंस का धमाल, RR को हराकर जीता खिताब। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस की जांच करेंगे हाईकोर्ट के सिटिंग जज, पंजाब CM ने ऐलान। मंगलौर में सोमती अमावस्या पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु के हरिद्वार पहुंचने पर नरसन बॉर्डर पर लगाया गया। चंपावत उपचुनाव को लेकर DM व SP ने पोलिंग बूथ का किया निरीक्षण। हरिद्वार में सोमती अमावस्या पर श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या में लगाई आस्था की गई। हल्द्वानी में युवाओं ने सरकार पर हाईकोर्ट का आदेश न मानने का लगाया आरोप। हल्द्वानी काठगोदाम के सर्किट हाउस में विभागों की हुई समीक्षा बैठक। हरिद्वार की पूर्व जिला अध्यक्ष राज्यसभा प्रत्याशी हुई घोषित, बधाई देने वालों को लगा ताना। रामनगर के मालदन में गुलदार ने पशुओं के बाड़े में घुसकर बैल को बनाया मुर्गा। अलग अंदाज में बाइक चलाते हुए टनकपुर पहुंचे मुख्यमंत्री। गदरपुर के नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग ने चेकिंग अभियान में 2 वाहनों को किया। लालकुआ में जमीन विवाद को लेकर अधिवक्ता और चौकी इंचार्ज में हुई मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। चंपावत में कुत्ते और तेंदुए के बीच हुई जबरदस्त भिड़ंत, कब सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने किया सोवन सिंह जीना बेस हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण।